माशाल्लाह अभी देखें, ये कुबे नेशनल पार्क है और ऊपर जो है वो कब्रिस्तान है पहाड़ की चोटी के ऊपर। और ये ब्यूटीफुल व्यू है माशाल्लाह। इधर तो सुभान अल्लाह कह सकते हैं, सुभान अल्लाह माशाल्लाह। ये पूरी दुनिया में सिर्फ जापान में पाया जाता है। इसको इसको मोमी जी कहते हैं, मोमी जी। ये दरख्त नहीं है वाला, ये खिजा के मौसम में जो है वो रेड हो जाता है और बाकी और मौसमों में ग्रीन रहता है। हाँ निकल पाए। सो रिलैक्सिंग, वेरी रिलैक्सिंग। अल्लाह ताला जो है वो कितनी खूबसूरत जगह है माशाल्लाह। अच्छा नाज़रीन, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है, अपना ख्याल रखिएगा। और वो जो एक भाई मेरा कह रहा था कुछ इबादत भी कर लिया करें इबादत, अगर इबादत करते हुए भी लाइव शुरू कर दूं क्या, यानी इबादत करते हुए भी लाइव वीडियो बनाना शुरू कर दूं, तो यार कौन थोड़ा सा सोच समझ के कमेंट किया करें यार। नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा हमारे अंदर आ चुकी है कि हम जो है वो बस बर्दाश्त ही नहीं करते। दूसरा ये कि जेलिसी का फैक्टर भी होता है। अल्हम्दुलिल्लाह इबादत करते हुए मुझे दिखाने की ज़रूरत नहीं है और अल्लाह का बड़ा फजल है। तो इन्नल्लाह जमील युहिब्बुल जमाल। और ऊपर मैं असल में आया था, इतने लोग जापान में रहते हैं जिनको पता ही नहीं है कि जापान के अंदर इस्लाम की रूट्स हैं। 150 साल पहले मुसलमान यहाँ आए और उनकी कब्रें मौजूद हैं। और कब्र सबसे बड़ी अलामत होती है कि किसी भी मुल्क के अंदर उसकी उनकी मौजूदगी की। मैं ये दिखाने आया था और जब हम जा रहे थे ना उस पर अपना गाड़ी में, तो मैंने ये लेक देखी। और जो मेरे फ़ैन हैं उनको पता है मुझे तो इन जगहों से, कुदरती मनाजे से खूबसूरत इश्क है। यहाँ पे टोक्यो में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, बड़ी बड़ी इमारतें हैं। मैं वहाँ नहीं लेके जा रहा आपको, कोबे में भी बड़ी बड़ी हैं, लेकिन मैं आपको अल्लाह की हसीन नज़ारे दिखा रहा हूँ। तो ये हुस्न जमालियात भी कोई चीज़ होती है।